तो फ्रेंड्स यहाँ पे सैमसंग फैंस का जो है यहाँ पे वेट जो है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G यहाँ पे मेरे पास डिवाइस है, जिसमें सडनली अभी रात के यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपको 11:20 हो रहे हैं, और यहाँ पे मैंने सडनली एक अपडेट चेक किया कि अपडेट आया है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने देखा कि One UI 5 का जो है स्टेबल वर्जन का अपडेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। मैं कसम से शॉक हो गया ये चीज़ देख के कि One UI 5 का अपडेट एकदम से इसमें कैसे हमें देखने को मिल गया। यहाँ पे अगर मैं अपडेट में जाकर मैंने चेक किया तो One UI 5 का टोटल हमें लगभग 2 से भी ऊपर GB का अपडेट हमें इसमें देखने को मिला है, जो लगभग 2 से भी ऊपर GB का। उसमें सिक्योरिटी पैच, सारी चीज़ क्या क्या अपडेट होने वाला है, सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी M52 5G, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे ब्लू कलर का मॉडल है मेरा यहाँ पे, और सबसे पहले मैं आपको अपडेट यहाँ पे चेक करा देता हूँ आया है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना होगा मैं यहाँ पे, अगर आपका नेट ऑन है तो यहाँ पे अपडेट योर फोन का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल ऑन करके सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आपका अपडेट चेक हो जाएगा नेट ऑन रखने के बाद, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दिखा देगा। यहाँ पे One UI 5 Android 13 का हमें अपडेट देखने को मिला, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बहुत ही औसम बात है कि यहाँ पे उन्होंने इतना जल्दी अपडेट यहाँ पे पुश आउट कर दिया है। यहाँ पे विजुअल डिजाइंस, कस्टमाइजेशन, मूड्स एंड रूटीन्स, बहुत सारे नए नए फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे, इनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। और अगर मैं आपको इसमें बताऊं यहाँ पे, तो ये जो अपडेट है कुछ हमें 2 GB का अपडेट देखने को मिल जाता है। उसमें जो सिक्योरिटी पैच लेवल है हमें 1 नवंबर का अपडेटेड देखने को मिल जाएगा। तो जो हमारा अभी महीना चला है उसी महीने का हमें इसमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे लगा देता हूँ डाउनलोड पे, और देखते हैं यहाँ पे फिर इसके फीचर्स के बारे में कुछ ऐसे ही देख लेते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे कस्टमाइजेशन के बारे में बोला हुआ है, मोड्स एंड रूटीन्स, यहाँ पे होम स्क्रीन विडजेट्स हमें देखने को मिलेगी, मल्टीटास्किंग यहाँ पे हमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है हमारे लिए, और साथ साथ में देखा जाए तो कनेक्टेड डिवाइसेस में भी हमें अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, कैमरा एंड गैलरी हमें इंप्रूव देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो अपडेट है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ और आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा अपडेट है यहाँ पे वो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे इसको इंस्टॉल नाउ पे टैप कर देता हूँ, और इंस्टॉल नाउ पे यहाँ पे मैंने टैप कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमें एनिमेशन, क्या क्या हमें अपडेट में देखने को मिलता है। तो फटाफट से ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला, तो मैं इसको स्किप करता हूँ और फटाफट से मोबाइल को अपडेट करके आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है फाइनली अपडेट हो चुका है, तो फटाफट से एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको इसके वर्जन चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद अगर हम जाएंगे यहाँ पे अबाउट फोन में, अबाउट फोन में हम जाएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा One UI वर्जन 5 और Android वर्जन 13 हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे 13 करना है तो पर मैं भूल गया इसका क्या था, तो ये हमें Android वर्जन 13 देखने को मिल रहा है, और सिक्योरिटी पैच 1 नवंबर का हमें इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। और बात करी जाए इसके जो चेंजेस में देखने को मिले, जो है वो है सबसे पहला जो चेंज है वो है इसके स्मूथनेस। जो यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग जस्टिस की हुई थी उसमें पहले जो स्मूथनेस थी वो मेरे को बहुत कम देखने को मिला करती थी, जिटर फील हुआ करता था, अब वो जो जिटर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जो मेरे को हल्का सा जो एनिमेशन है थोड़ा सा मेरे को स्मूथ फील हो रहा है। साथ साथ में बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ पे मेरे को चेंज देखने को मिला है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो थोड़े राउंडेड आने लगी हैं, और ये जो हमारे आइकन्स हैं ये थोड़े से बदल गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्लाइड करके पावर सेविंग मोड का, जैसे यहाँ पे हमारा आइकन बदल दिया उन्होंने। यहाँ पे अगर बात करी जाए यहाँ पे प्रोटेक्ट बैटरी का आइकन यहाँ पे बदला हुआ है, और साथ साथ में अगर बात करी जाए और कौन सा आइकन बदले हुए हैं, तो यहाँ पे माइक्रोफोन एक्सेस का, और साथ में अगर अंदर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है, कलर इन्वर्जन का यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है, कलर फिल्टर का हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन, कलर एडजस्टमेंट का हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सोफ़ास को नोटिफिकेशन भी हम यहाँ से मैं अपनी मैनेज कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है, जो कि एनिमेशन है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है, और यहाँ पे मेरे को एक चेंज देखने को मिला है इसके हैप्टिक्स में, वो है अगर यहाँ पे जब मिनिमाइज है और मैं इसको ऐसे करता हूँ तो हल्का सा मेरे को माइनर वाइब्रेशन फील होता है, जो कि हैप्टिक्स को थोड़ा सा बेटर बनाता है, इतना बेटर नहीं तो लेकिन हल्का सा बेटर हमें यहाँ पर जरूर बना देता है। दोस्तों ये इसके कुछ ऊपर ऊपर से फीचर्स मैंने आपको बताया, अगर आप जानना चाहते हैं इसके सारे फीचर्स बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले हम जैसे ही वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इस अपडेट का फुल रिव्यू, नए फीचर सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, उसकी भी एक वीडियो जरूर लाने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।